हमारी हुकूमत से ये भी अपील है कि गोश्त जिस पर की पाबंदी लगी हुई है उसको भी जल्द से जल्द उस पाबंदी को हटाया जाए। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद राशिद फरंगी महली ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में जरूरी सामान की खरीदारी की इजाजत का स्वागत किया है। इसके साथ ही महली ने प्रदेश सरकार से मांस के व्यापार पर लगी रोक हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि राज्य में मांस को खरीदने और बेचने को लेकर लगाई गई पाबंदी को हटाया जाए। महली का कहना है कि मांस के कारोबार से आर्थिक फायदा भी होगा। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि मांस के कारोबार से रोज कमाने और खाने वाली बड़ी आबादी जुड़ी हुई है। उनका यह भी कहना है कि मांस के व्यापार पर लगी रोक की वजह से तमाम व्यापारी बेहद परेशान हैं। क्योंकि इस लॉकडाउन में धीरे धीरे जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं वो मिलना शुरू हो गई हैं, जिससे कि लोगों को बड़े पैमाने पर राहत मिल रही है। लिहाजा हमारी हुकूमत से ये भी अपील है कि गोश्त जिस पर की पाबंदी लगी हुई है उसको भी जल्द से जल्द उस पाबंदी को हटाया जाए और गोश्त भी आम तौर पर मिलना शुरू हो जाए। जो भी गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जो भी लॉकडाउन्स के पैरामीटर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये परमिशन दी जाए, जो इससे बड़ी आबादी को राहत मिलेगी, जहां की ये राइट टू फूड के तहत भी इस परमिशन को दिया जाना चाहिए। और दूसरा एक बड़ी आबादी वो है जो कि इस गोश्त के कारोबार से मुंसलिक है, जो कि रोज कमाती खाती है और वो भुखमरी का शिकार हो रही है। लिहाजा मेरी हुकूमत से यही अपील है कि गोश्त को पर लगी पाबंदी को भी जल्द से जल्द खत्म किया जाए। ऐसा नहीं है कि राज्य में पहली बार ऐसी मांग उठी है। अभी कुछ दिन पहले ही मशहूर कवि मुनव्वर राणा ने भी मांस का कारोबार फिर से शुरू कराने की अपील की थी। मुनव्वर राणा ने इसे लेकर एक ट्वीट किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, योगी जी शराब पीने वालों को शराब पिलवाइए, लेकिन हम लोगों को भी गोश्त खाने दीजिए। उन्होंने आगे लिखा, कम से कम इंसाफ का दामन ना छोड़े हाथ से, मैं नहीं कहता कि तुम मेरी तरफदारी करो। बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने कई हिदायतें भी लागू की थी। उनमें से ही एक मांस बिक्री को लेकर था। योगी सरकार ने 30 मई तक यूपी में मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब जब शराब की बिक्री शुरू करवा दी गई है तो लोग मांस की बिक्री को लेकर भी आवाज उठा रहे हैं। लखनऊ से नीलांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।